हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वर्मा ला क्लासेस। मैं आपका दोस्त मनोज गुप्ता। आज की वीडियो में हम जर्नल एंट्री से रिलेटेड बात करेंगे। जब हम एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम करते हैं, इसमें हम प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री है उस पे बात करेंगे। आज मैं इनको एंट्रियों को करने के आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ, और उससे आप ये एंट्रियाँ 5 मिनट में, 5 से कम मिनट में ही याद कर सकते हैं। आपको सिंपल अपनी बैलेंस शीट पे ध्यान करना पड़ेगा। इसमें पता है कि आपको ये चीजें लायबिलिटी साइड आती हैं, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपको पता है हम बैलेंस शीट में जब लिखते हैं लायबिलिटी साइड और असेट साइड, जितने भी रिजर्व होते हैं वो हमारी लायबिलिटी साइड होते हैं। आपको रिजर्व का मीनिंग क्लियर कर देता हूँ। रिजर्व है वो प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं, और इसका मेन पर्पस अननोन लायबिलिटीज के लिए होता है, जिसको हम जानते नहीं, भविष्य के लिए, फ्यूचर में अपनी सेफ्टी के लिए हम रिजर्व बनाते हैं। जब हम इस रिजर्व को इन्वेस्ट कर देते हैं, जब रिजर्व को इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हम फंड वर्ड यूज करते हैं। कंटीजेंसी रिजर्व होता है वे फ्यूचर के लिए होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है वो लायबिलिटी साइड होता है। इसको याद रखने के लिए आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस की ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, और प्रॉफिट तभी होता है जब क्रेडिट साइड बड़ी हो, तो ये याद कर सकते हो। आपको पता है बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट को ऐड करते हैं और लॉस को माइनस करते हैं, और लॉस तब होता है जब डेबिट साइड बड़ी होती है, और जब डेबिट साइड होती है इसका मतलब ये लॉस है, और इसको हम असेट साइड लिखते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उसको हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो वर्कमैन का कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए ये रिजर्व बनाया जाता है, ताकि हम इमरजेंसी में यूज कर सके। और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो हम इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वहां यूज करते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। इससे आपने कैपिटल अकाउंट बनाना है तो सिंपल रूल है, आपने क्या करना है, अपोजिट कर देना है। जो लायबिलिटी साइड है उसको तो हम बाएं वाली साइड लिखेंगे, यानी कि क्रेडिट साइड। ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में आप इस सभी को ओल्ड रेशियो में आपने करना है, और जो असेट साइड है वो आपकी टू साइड, टू गुडविल इस प्रकार आएंगी, ये आपकी कैपिटल साइड आएगी। और आपने इसकी जर्नल एंट्री करनी है तो सिंपल याद रखना, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे इन सभी को डेबिट करना है, और नीचे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। इसी प्रकार इन चीज को आप क्रेडिट करोगे जर्नल एंट्री के टाइम, और यहां पे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को आप
डेबिट में। ये सिंपल नियम है, इससे आप जर्नल एंट्री को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में याद करना पड़ेगा हमें जर्नल रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये हमारी लायबिलिटी साइड होते हैं। असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये साइड इसको अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो आप लायबिलिटी साइड को क्रेडिट साइड में करेंगे और असेट साइड को आप डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्ट में। लेकिन जब आप जर्नल एंट्री करोगे, आप इसको डेबिट मान लो, इसको क्रेडिट मान लो, तो आप देखोगे जितनी भी लायबिलिटी साइड है उसके उसको हम डेबिट करना है किसमें, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। इसी प्रकार जितनी भी असेट्स है उनको हमने जर्नल एंट्री में क्रेडिट करना है ऊपर, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इससे आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ जाता है, और जब 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वहां भी आपसे पूछ सकते हैं कि एडमिशन और रिटायर के टाइम क्या क्या जर्नल एंट्री होती है, तो उसका ये एक पार्ट है। जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम गुडविल से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री है वो करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, ये ट्रिक्स अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो में कोई मिस्टेक है और आपको लगता है कुछ बेटर तरीके से हम और करवा सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और हम अब नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसमें आपके कमेंट को ध्यान में रखेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को और सुधारने की कोशिश